डियर स्टूडेंट्स, आइए हम प्रेपोजिशन को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं जनरली ऑन, वाइल एंड ड्यूरिंग इन तीन प्रेपोजिशंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले देखिए, सॉरी विद इन भी है, विद इन, विद इन यूज्ड इन द सेंस ऑफ बिफोर, इन विद इन, इन हमेशा एफ्टर या एक्सपायरी ऑफ टाइम दिखाता है, जबकि विद इन बिफोर, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम। जैसे कि इस काम को मैं दो दिन में कर लूंगा, आई कंप्लीट दिस वर्क इन टू डेज। जब मैंने बोला इसका मतलब मैं पूरा दो दिन लगाऊंगा उस काम को करने में, लेकिन मैंने कहा आई डू दिस वर्क विद इन टू डेज, इट मीन्स इस काम को करने में मैं दो दिन से कम लगाऊंगा। यानी कि पूरा दो दिन मैं नहीं लूंगा, दो दिन पहले ही, दो दिन पूरा होने से पहले ही मैं काम कर लूंगा, दिस सेंस विद इन। लेकिन जब मैंने कहा कि इन टू डेज, इट मीन्स मैं उस पूरे दो दिन को यूज करूंगा, मीन्स एफ्टर टू डेज आई विल टेक ऑल 48 आवर्स इन doing that work or in completing that work, but within 2 days means before the completion of 48 hours. जैसे यहां मैंने देखिए example दिया है, I'll do it within an hour. यानी कि मैं इस काम को एक घंटे के अंदर कर लूंगा, यही in देता तो यानी कि एक घंटा पूरा लेता। अब on, on is used to refer a day, डेट। जब भी डे और डेट की बात होगी तो हम ऑन, रेस्टिंग पोजिशन दिखाना होगा तो ऑन, कंटिन्यूटी दिखाना होगा किसी एक्शन की तो ऑन, टू इंडिकेट अ पार्ट ऑब्जेक्ट बाय विच समथिंग और समवन सपोर्टेड, वो चीज जो किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को सपोर्ट कर रही है उसे दिखाने के लिए ऑन, समथिंग हिट्स और टच, कोई चीज जो हिट करे या टच करे, सरफेस वेयर समथिंग सीन, यहां समथिंग है जी, समथिंग सीन, ऐसी कोई चीज जहां पे कुछ, समथिंग सीन उस सरफेस पे जहां पे कुछ हो उसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए पहला, पहला क्या है, डे एंड डेट, आई विल सी यू ऑन संडे 20th मार्च, मैं आपसे संडे को मिलूंगा या मैं आपको 20 तारीख से मिलूंगा। तो यहां देखिए डे, यहां देखिए डेट, तो डे डेट दिखाना हो, डे और डेट दिखाना होगा तो ऑन ध्यान देना है। नेक्स्ट, योर नोटबुक इज ऑन माय टेबल, ये क्या दिखा रहा है, रेस्टिंग पोजिशन, एक चीज दूसरे चीज को जब टच कर रही हो, एक चीज दूसरे चीज के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो, दैट इज ऑन। फिर कंटिन्यूटी, शायद कंटिन्यूटी का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो जैसे कि द टेलीविजन इज ऑन, टीवी खुला हुआ, ये उसी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। द मैच इज ऑन, मैच चल रहा है। अब देखिए क्या है, टू इंडिकेट अ पार्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट बाय विच समथिंग और समवन सपोर्टेड, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाउ फास्ट कैन यू मूव ऑन वन लेग, तो कैसी ये वन लेग सपोर्ट कर रहा है, तो हाउ फास्ट कैन यू मूव ऑन वन लेग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, समथिंग हिट्स और टचेस, जो कोई चीज हिट करे या टच कर, जैसे आई बम्प्ड माय हेड ऑन अ लो ब्रांच, एक झुकी हुई नीचे वाली डाल ने, डाल से मेरा सिर टकराया या मेरा सिर उसे टच करा। द पोर्ट्रेट इज ऑन द वॉल, क्या है, जहां पे कोई चीज दूसरी चीज से अटैच हो या कोई चीज दूसरी चीज पर हो, दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में हो, तो द पोर्ट्रेट इज ऑन द वॉल। अब देखिए ड्यूरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग रेफर्स अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए ड्यूरिंग और वाइल, ड्यूरिंग एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता है और वाइल भी एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करता है। ड्यूरिंग प्योरली
प्रेपोजिशन है, जबकि व्हाइल प्रेपोजिशन प्लस कंजंक्शन भी है। तो जब मैं कंजंक्शन हम पढ़ेंगे तो उस वक्त भी मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल एज अ प्रेपोजिशन पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल एज कंजंक्शन रेफर्स अ कॉन्ट्रास्ट, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है दो चीजों में, एक में पॉजिटिव मीनिंग तो दूसरे में नेगेटिव मीनिंग। तो यहां पे हम लोग प्रेपोजिशन कर रहे हैं तो हम इसको प्रेपोजिशन के तौर पे देखेंगे व्हाइल को। और कैसे देखिए, दोनों अर्थ देते हैं टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम का, लेकिन कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है, आइए देखें। ड्यूरिंग रेफर्स अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग वेकेशन वी हैव फन। तो एक चीज आपको ध्यान रखना कि जब भी ड्यूरिंग आएगा उसके बाद नाउन होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आप जानते हैं नाउन होते हैं। देखिए ड्यूरिंग वेकेशन वी हैव फन, वेकेशन छुट्टियों के दौरान हम मजे लेंगे, मजे करेंगे। यहां देखिए के दौरान, एक पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा। व्हाइल रेफर्स अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज एक्स एज कंजंक्शन फॉर शोइंग कॉन्ट्रास्ट। तो वही मैंने बताया, व्हाइल जब प्रेपोजिशन होगा तो क्या दिखाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, जब कंजंक्शन होगा तो क्या दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है आपको कि जब भी व्हाइल यूज होगा एज प्रेपोजिशन, इसके बाद जेरंड आएगा, जेरंडियल नाउन, और उस वक्त वो एक तरह का एक्शन दिखा रहा होगा, जबकि ड्यूरिंग सिर्फ और सिर्फ क्या, एक पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा और उसके बाद एक नाउन आएगा जो जेरंडियल नाउन नहीं होगा। जैसे वेकेशन आपने देखा, देखिए I fell while riding, देखिए I fell मैं गिर गया, riding के दौरान, जब मैं गाड़ी चलाने के दौरान मैं गिर गया, riding, यहां riding क्या है, ये है gerund, और gerund आप जानते हैं ये भी noun होता है। तो ये आपको दिखाना है, दिमाग में रखना है कि जब भी while का आप यूज कर रहे हैं किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह, तो इसके बाद जो आने वाला नाउन वो जेरेंडियल नाउन होगा, एक नॉर्मल सा नाउन नहीं होगा। तो यहां देखिए आई फेल वाइल राइडिंग, यहां देखिए स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, यहां देखिए यहां ये जो वाइल है यहां ये कंजंक्शन का काम कर रहा, क्यों, क्योंकि स्ट्राइक क्या है, वर्ब है, द आयरन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, वाइल कनेक्ट कर रहा किसको, इट इज हॉट, इट यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज वर्ब हो जा रहा, हॉट एडजेक्टिव हो जा रही। तो यहां पे ये कनेक्ट कर रहा दो क्लॉजेस को, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को। माई डैड सैंग टू मी ड्यूरिंग व्हाइल दैट ट्रिप, मेरे पापा ने मेरे लिए गाना गाया उस यात्रा के दौरान। तो आप यहां देखिए, यहां ड्यूरिंग होगा या व्हाइल होगा, यहां ड्यूरिंग हो, क्योंकि मैंने बताया ड्यूरिंग क्या है, यहां पे एक नॉर्मल से नाउन के साथ आएगा, जैसे ये देखिए कॉमन नाउन के साथ आ रहा है, जबकि व्हाइल मैंने आपको बताया ये जब आएगा तो ये जेरंडियल नाउन के साथ आएगा। तो आई होप आपको विद इन, ऑन, ड्यूरिंग, व्हाइल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बताएं। दूसरी बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प कर रहा इन चीजों को क्लियर करने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। दिस इज माई पर्सनल अपील टू all of you.